करनाल में मुख्यमंत्री और करनाल विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार नायब सिंह सैनी ने आज करनाल सराफा बाजार में शिव मंदिर में मत्था टेका। वहीं उनके उसके बाद मांझी साहिब गुरुद्वारे पहुंचे, वहां पर उन्होंने अरदास की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। उन्होंने बताया कि देश ने तरक्की की है, सड़क का विकास हुआ, कांग्रेस पर भी निशाना साधते दिखाई दिए। कहा, मंच पर उनके नेता लड़ते भिड़ते नजर आते हैं। शासन किया हो जिस दल ने, उस दल के नेता वो मानते हैं, देश नहीं मानता, परंतु कुछ ढांचा में जो लोग हैं वो राहुल को नेता मानते हैं, क्योंकि उससे बाहर नहीं जा सकते, परिवार से बाहर नहीं जा सकते, उनको मानना पड़ेगा। जो राष्ट्रवादी लोग थे कांग्रेस में, धीरे धीरे करके वो उस ढांचे से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि तभी मैंने कहा कि उसके अंदर कुछ ढांचा है और कुछ लोग हैं। वो व्यक्ति इंग्लैंड की असेंबली में जा करके वहां के सांसदों के बीच बैठ करके भारत के को बदनाम करने का काम करता है। नरेंद्र मोदी जी दुनिया में ईमानदारी से भारत का रुतबा बढ़ाने का काम करता है, ये अंतर है। और मैं इसी करके कह रहा हूं कि कांग्रेस का खाली ढांचा ढांचा रह गया है, बिल्कुल दोहरा रहे, बड़े मैंडेट के साथ, बहुत बड़े मैंडेट के साथ। आप लोग देखिए, 2014 भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें, एनडीए को 325 सीटें, 2019 भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें, एनडीए को 353 सीटें, 2024 अब एनडीए 400 पार सीटें दे करके मोदी जी को तीसरी बार, क्योंकि देश बोल रहा है, देश के लोग बोल रहे हैं, देश के लोग काम के ऊपर बोल रहे हैं। मोदी जी ने ईमानदारी से देश को आगे बढ़ाया, मोदी जी ईमानदारी से गरीब की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरे हैं, मोदी जी ने ईमानदारी से किसानों को मजबूत किया है, मोदी जी ने ईमानदारी से युवाओं के विश्वास को बढ़ाया है, मोदी जी ने ईमानदारी से महिलाओं को सशक्त किया है। जयराम रमेश को ये पूछना जा करके, कहते राहुल गांधी मंच का बैठा था, दोनों नेता मजबूती को लेकर तो नहीं चमक गया।